तरह से एक पतंग के माध्यम से बड़ी सरलता से जीवन के बड़े ही महत्वपूर्ण बातें वो उस बच्चे को सिखाते हैं और उसको तैयार करते हैं ज़िंदगी से लड़ने के लिए। दिस इज़ वॉट ये खुला आसमान इज अबाउट। एक मोटिवेशनल फिल्म है। इट्स अबाउट दिस वन कैरेक्टर, जो मेन कैरेक्टर है जिनका नाम है अविनाश, वो बहुत ही इमोशनली ड्रेन्ड है बिकॉज वो बहुत ज़्यादा पेरेंटल प्रेशर, पीयर प्रेशर, अकेडमिक प्रेशर के कारण वो बिल्कुल अंदर से शाटर हो चुके हैं और वो अपने 12th के बोर्ड एग्जाम्स में फेल कर जाते हैं। मेरे हिसाब से रघुवीर यादव जी इज़ अ वेरी बिग एक्टर फॉर मी एंड ही इज़ देयर इन माई फिल्म एंड अपार्ट फ्रॉम दैट यशपाल शर्मा जी इज़ देयर, ही इज़ एन एक्सेलेंट एक्टर इज़ वेल। इट्स अबाउट कि वो कैसे फिर अपने ग्रैंड फादर के पास सोचते हैं कि मैं वापस जाऊँ कई सालों बाद, तो वो वापस अपने दादाजी के पास जाते हैं और उनके ग्रैंड फादर कैसे थ्रू काइट फ्लाइंग लेसन्स वो मोटिवेशन, उनका सेल्फ इस्टीम, उनका सेल्फ कॉन्फिडेंस उनके लाइफ में वापस लाते हैं। तीनों जनरेशन कनेक्ट करेगी, अगर आपके दादू रहेंगे वो भी जाके समझेंगे, उनको अच्छा लगेगा पिक्चर, और हमारे मम्मी पापा की उम्र के लोग भी अच्छा लगेगा उन लोग को, और बच्चों को भी अच्छा लगेगा, सारे बच्चे लोग अगर देखेंगे हमारे एज ग्रुप के। आई डिसाइडेड टू टेक न्यू कमर्स फॉर माई प्रोटैगनिस्ट बिकॉज आई वॉन्टेड अ फ्रेश फेस, सो फॉर अविनाश आई वॉन्टेड द फ्रेश फेस एंड जो मुस्कान जो कैरेक्टर है उनके लिए भी मुझे एक नए चेहरे की जरूरत थी, तो गॉड सेंट राज ने आपको कैरेक्टर जी। हमने बहुत मेहनत करी है और आप इस मूवी को रिग्रेट नहीं करेंगे अगर आप हॉल में जाके देखेंगे, सो हम लोग का विनती होगा एंड वी वुड थैंक यू अ लॉट इफ यू गो एंड वॉच इट। ये खुला आसमान इन माय व्यू इट सिंबलाइजेस द एंडलेस अपॉर्चुनिटीज व्हिच लाइफ हैज टू ऑफर, जो खुलापन है आसमान का वो इसको रिप्रेजेंट करता है एंड इवन द स्काई इज नॉट लिमिट इन माय व्यू इन लाइफ।